प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपको देने वाले हैं। विशेष तौर से आउटसोर्स कर्मियों का जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि पिछले कल आउटसोर्स महासंघ अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना से मिला था और इन्होंने मांग ये उठाई थी कि जल्दी से जल्दी इनकी नीति दस्तावेज के मसौदे को भी तैयार किया जाए। फिलहाल इस बीच इनसे सुझाव मांगे गए थे आज के लिए, ताकि इनकी पॉलिसी समय से बन सके और जिस तरह से ये चाह रहे हैं उसी तरह से यहाँ पर पॉलिसी बने, यानी कि इनकी सहमति भी बाद में उसमें हो। तो किस तरह के सुझाव आज आउटसोर्स कर्मियों की ओर से दिए गए हैं, ये जानकारी हम आपको देंगे। अगली बात कांग्रेस की टिकट लिस्ट को लेकर करना चाहेंगे। फिलहाल ये भी अभी तक कहां पहुंची है, क्योंकि दावा आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा की ओर से ये किया गया था कि जल्दी ही ये लिस्ट सार्वजनिक होने वाली है। तो फिलहाल ये कौन कौन से प्रत्याशी हैं जिनके नाम हमारे समक्ष आए हैं। अगली बात नामांकन प्रक्रिया को लेकर करेंगे, क्योंकि छुट्टियों में यह नामांकन प्रक्रिया भी फंसने वाली है और इसके पीछे का भी बड़ा कारण क्या है, जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। लगातार विधानसभा चुनावों के बीच अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और इसी बीच 16 विभागों पर भी एक्शन लेने के लिए कहा गया है एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की ओर से। इसके पीछे की भी क्या यहां पर जानकारी है, यानी कि क्या ये पूरा मसला है, अपडेट हम आपको देंगे। अगली बात करना चाहेंगे यूनिवर्सिटी के छात्रों से जुड़ी, क्योंकि एक बड़ी सुविधा यूजीसी इनके लिए लेकर आया है। दरअसल ई समाधान पोर्टल इनके लिए लॉन्च हुआ है, ये नया सेंट्रलाइज पोर्टल है। बहुत बार देखने में ऐसा आता है कि छात्र डायरेक्टली संपर्क यहाँ पर यूजीसी से करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी वजहों से फिर नहीं कर पाते हैं। फिर चाहे फीस से संबंधित उन्हें शिकायत करनी हो या परीक्षा की तिथि में बदलाव को लेकर कोई बात कहनी हो, इसके अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या फिर फैकल्टीज को लेकर या पढ़ाई को लेकर कोई भी शिकायत उन्हें करनी हो, तो उन्हें ये किसी ना किसी के माध्यम से पहले करनी पड़ती थी, लेकिन अब डायरेक्टली वो इस पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं अपने जीमेल के जरिए भी। और दूसरी बात यह है कि टोल फ्री नंबर भी इसके लिए जारी यहां पर किया गया है। दरअसल अभी काफी सारी शिकायतें छात्रों की ओर से सामने आ रही थी, लेकिन कोई भी उस पर उचित कार्यवाही नहीं की जा रही थी, क्योंकि बहुत सी शिकायतें यूजीसी के पास पहुंच ही नहीं पा रही थी। इसलिए फिर यह तय किया गया कि डायरेक्ट एक यहां पर पोर्टल बनाया जाएगा। जितने भी यहां पर अन्य पोर्टल है या फिर अन्य हेल्पलाइंस है, उन्हें डायरेक्टली इसके साथ जोड़ दिया गया है, इसी पोर्टल के साथ। महज यहां पर एक रैगिंग पोर्टल है जिसे इसके साथ नहीं जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त कितनी भी समस्याएं होती हैं, शिकायतें होती हैं, अब उनका सीधे तौर से यहां पर यूजीसी की ओर से समाधान किया जाएगा। अब ये लॉन्च हो चुका है और जैसा कि हमने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में अब ये सुविधा छात्रों को मिलने वाली है। ई समाधान पोर्टल आप जरूर सर्च कर सकते हैं, जो वेबसाइट है इस पर आप अपनी शिकायत भी कर सकते हैं पोर्टल के माध्यम से डायरेक्टली भी, और टोल फ्री नंबर भी इसमें उपलब्ध होगा, उसमें भी डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके छात्र अपनी शिकायत दे सकते हैं। अगली बात छात्रवृत्ति को लेकर करना चाहेंगे, और ये हम इसलिए यहाँ पर लेकर आए हैं बात, क्योंकि नवंबर दिसंबर में प्रदेश के राज्य के सरकारी स्कूलों में दरअसल जो छात्रों को यहाँ छात्रवृत्ति मिलती है वो इन दो महीनों में अभी नहीं मिलने वाली है। कारण इसका ये है कि विधानसभा चुनाव निकट है, तो शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया है नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को और इन्होंने ये मांग यहाँ पर उठाई है कि क्यों ना नवंबर दिसंबर के बजाय अगले वर्ष के लिए ही छात्रवृत्ति का शेड्यूल जारी किया जाए। राज्य सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से दरअसल ये छात्रवृत्ति गरीब तबके के छात्रों को दी जाती है ताकि उनकी पढ़ाई ना रुके, उनकी पढ़ाई आगे के लिए जारी रहे, लेकिन अभी नवंबर दिसंबर में ये शेड्यूल जारी ना हो, ये मांग यहां पर उस शिक्षा विभाग की ओर से उठाई गई है। कारण ये है, विभाग भी क्योंकि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में अभी काफी ज्यादा बिजी रहने वाला है, तो इस बीच कोई भी छात्र इस छात्रवृत्ति से चूक ना जाए, इसलिए यही सही रहेगा कि अगले वर्ष ही फिलहाल इसका पूरी तरह से शेड्यूल जारी हो, ताकि एक एक छात्र को ये स्कॉलरशिप प्रदान की जा सके, जो कि काफी ज्यादा जरूरतमंद है। अब आउटसोर्स कर्मियों को लेकर जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि आउटसोर्स पॉलिसी पर सुझाव दे दिए गए हैं महासंघ के प्रतिनिधियों की ओर से। पिछले कल इन्होंने मुलाकात की थी अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना से और इन्होंने ये मांग उठाई थी कि जल्दी ही यहां पर नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार कर दिया जाए, वो इसलिए ताकि सभी लाभ इन्हें जल्द से जल्द मिल सके। ये बात तो पहले ही एसीएस प्रबोध सक्सेना ने कह दी थी कि अगर आचार संहिता भी लग जाती है तो चुनाव आयोग से स्पेशल परमिशन ली जाएगी इनके लिए, ये सरकारी कंपनी तैयार करने के लिए, और जल्दी ही इन सभी कर्मचारियों को उसमें एडजस्ट भी किया जाएगा। लेकिन कब तक किया जाएगा, अब ये सवाल यहां पर आउटसोर्स कर्मियों की ओर से उठाया जा रहा है। तो इसमें प्रबोध सक्सेना ने ये कहा था कि फिलहाल ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ वो काफी ज्यादा संपर्क में है और ड्राफ्ट को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है, उस विभाग को भी कई तरह के दिशा निर्देश इस संदर्भ में दिए गए हैं। लेकिन सुझाव यहां पर आउटसोर्स कर्मियों से भी मांगे गए थे और कारण ये था सुझाव मांगने का कि कहीं ऐसा ना हो बाद में पॉलिसी यहां पर तैयार हो जाए और मंजूरी भी इसे मिल जाए
जाए लेकिन फिर आउटसोर्स कर्मी ही इससे सहमत ना हो, इसलिए सुझाव मांगे गए हैं आउटसोर्स महासंघ से। तीन बड़े सुझाव यहां पर आउटसोर्स महासंघ की ओर से दिए गए हैं। पहली बात इन्होंने ये कही है कि रिटायरमेंट एज तक इनकी जॉब सिक्योरिटी बनी रहनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि मिनिमम वेतन इनका 18,000 तो होना ही चाहिए। हालांकि जिस प्रकार से यहां पर सेवाएं ली जाएंगी सेवाओं के अनुसार ही इन्हें यहां पर वेतन मिलना चाहिए। और अगली बात इन्होंने कंपनी को लेकर की है कि कौशल विकास एवं रोजगार निगम जो कंपनी बनाई जा रही है इसी एक कंपनी के तहत सभी आउटसोर्स कर्मी आने चाहिए, कोई भी अब प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत सा शोषण इन्होंने सहा है, अब ये इसके अलावा कोई शोषण नहीं सहने वाले हैं। जॉब सुरक्षा को लेकर गारंटी पहले ही मिल चुकी है अधिसूचना के माध्यम से, लेकिन ये दो से तीन और इनकी ओर से मांगे उठाई गई हैं। फिलहाल देखना होगा कितना गौर अभी इनके सुझावों पर भी यहां होता है। एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए अभी कुछ एक ऐसे भी आउटसोर्स कर्मी हैं, अगर हम पोषण अभियान की बात करें तो इसमें पहले ही ऑर्डर जारी कर दिए गए थे इन्हें डिसकंटिन्यू करने के। केएनएच में भी आउटसोर्स के 5 कर्मी हैं जिनके लिए ये 1 अक्टूबर के आसपास निष्कासित करने के ऑर्डर जारी हुए थे। तो अब यहां पर आउटसोर्स महासंघ की ओर से यह भी डिमांड उठाई जा रही है क्योंकि अधिसूचना में इस चीज को स्पष्ट नहीं किया गया है कि जिन्हें लेकर पहले ऑर्डर हो चुके हैं और अभी इस अधिसूचना के बाद जिन्हें डिस्कंटिन्यू करने की बात कही गई है। जैसा कि ऑर्डर जो है अभी अगर हम पोषण अभियान की बात करें तो 10 अक्टूबर को यह ऑर्डर जारी हो गए थे लेकिन दिसंबर में इन्हें डिस्कंटिन्यू करने की बात कही गई है, यानी कि अभी आने वाले समय में इन्हें निष्कासित किया जा सकता है। तो ऐसे ही वर्गों को उनकी सेवाओं पर दोबारा से बहाल किया जाए या तो इन्हें एक्सटेंशन दिया जाए या फिर इनके लिए भी ये जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए क्योंकि यहां पर एक मकसद ही ये था आउटसोर्स कर्मियों का कि एक तरह से जॉब सिक्योरिटी इन्हें मिल सके, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह के आदेश अभी जारी हुए हैं तो दोबारा से उन्हें लेकर यहां कोई फैसला लिया जाए और एक राहत प्रदान की जाए ऐसे वर्गों को भी, ये भी आउटसोर्स महासंघ की ओर से एक डिमांड उठाई गई है। और जैसा कि हमने कहा कि एक चीज बार बार ये दोहरा रहे हैं कि रिटायरमेंट एज तक इन्हें ये जॉब की गारंटी चाहिए। अब नामांकन प्रक्रिया पर आना चाहेंगे क्योंकि छुट्टियों में ये नामांकन प्रक्रिया भी फंस सकती है। विधानसभा चुनाव निकट है और जल्दी ही चुनाव आयोग की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी हो सकती है, लेकिन इस नोटिफिकेशन के साथ साथ ही अभी नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जानी है और ये जो समय दिया गया है आखिरी तारीख इसमें 25 अक्टूबर है, उससे पहले अगर हम 3 दिनों पर गौर करें तो छुट्टियों का दौर जारी रहेगा। देखिए फिलहाल अगर 22 की बात करें तो ये चौथा शनिवार है यानी कि बैंक बंद रहेंगे तो ड्यूज तो फिर इनके क्लियर नहीं हो पाएंगे प्रत्याशियों के। दूसरी बात 23 अक्टूबर की करें तो रविवार का दिन है और 24 अक्टूबर को तो वैसे ही दिवाली है, मतलब ये हुआ कि 25 अक्टूबर जो कि आखिरी दिन है इस दिन काफी ज्यादा भीड़ नामांकन को लेकर देखने के लिए मिल सकती है प्रत्याशियों की, क्योंकि उससे पहले तो इनके पास वैसे ही काफी कम समय होगा महज 6 दिन का। तो अभी फिलहाल ये भी यहां पर एक बात बनी हुई है और देखना होगा इसे लेकर किस तरह की स्थिति रहती है क्योंकि बीच में 3 दिन की छुट्टियां आ गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीसी के पास नामांकन दर्ज करने होंगे अगर जिला स्तर की बात करें, और उपमंडल स्तर की अगर हम जानकारी दें तो उपमंडल निर्वाचन अधिकारी यानी एसटीएम के पास ये नामांकन भरे जा सकेंगे। तो एक ये अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे। अब बात करना चाहेंगे भाजपा की वोटिंग से जुड़ी जो कि आज ही हो गई है और भाजपा के कार्यालय में ये वोटिंग हुई है। दरअसल प्रत्याशियों का चयन इस बार ये वोटिंग के जरिए किया गया है, जो वहां पर पदाधिकारी बुलाए गए थे कार्यकर्ता बुलाए गए थे इनसे पूछा गया है वोटिंग के जरिए कि इनका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है। अभी सुबह से लेकर दोपहर तक ये वोटिंग का सिलसिला भाजपा के कार्यालय में जारी था और ये जो मतदान की पेटियां हैं दिल्ली भिजवा दी गई हैं, यानी कि अंतिम फैसला इन प्रत्याशियों को लेकर दिल्ली से ही होने वाला है, उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार भाजपा के प्रत्याशी कौन है। इसमें ऑप्शंस दी गई थी, 3-3 नाम हर पदाधिकारी और कार्यकर्ता को दिए गए थे और पहले दूसरे और तीसरे नंबर के हिसाब से उन्हें मतदान करना था। प्रक्रिया कुछ इस तरह की रही है। अब पदाधिकारी कार्यकर्ता किसके साथ हैं फिलहाल इस बात का खुलासा बाद में ही हो पाएगा, किसे पहले नंबर पर उन्होंने रखा है और किसे तीसरे नंबर पर उन्होंने रखा है, लेकिन एक तरह से ये नया कदम भी हम कहना चाहेंगे, एक तरह से नई पहल है कि पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं को ये मौका मिला है कि कौन से क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी होना चाहिए। अगली बात कांग्रेस के मतदान को लेकर करना चाहेंगे। भाजपा की वोटिंग तो आज ही हो गई है और कांग्रेस की कल होगी, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस की ये वोटिंग नहीं होने वाली है बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी को लेकर कांग्रेस कार्यालय में कल ये वोटिंग होगी। दरअसल अभी यहां पर ताजपोशी
इश्यू होनी है और इसके लिए जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं इस बार मल्लिका अर्जुन खड़ेंगे और शशि थरूर दोनों इस बार ये मैदान में हैं। इन दोनों के बीच ये कॉम्पिटिशन होने वाला है। 94 के करीब यहां से डेलीगेट हैं प्रदेश में जो कि मतदान में हिस्सा लेने वाले हैं और 68 विधानसभा क्षेत्रों से ये डेलीगेट्स हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि हमने कहा क्योंकि 94 डेलीगेट है तो एक एक डेलीगेट ये 68 विधानसभा क्षेत्र से होने वाला है, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ एक पदाधिकारी और इसके अतिरिक्त जो खास हम कहना चाहेंगे काफी ज्यादा करीबी भी और काफी बड़े पद पर भी तैनात है कांग्रेस कमेटी में, उन्हें ये मौका मिलने वाला है मतदान करने का और उसके बाद ही ये भी फिर यहां पर क्लियर हो पाएगा कि अब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। सुबह 10 बजे से ये मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 4 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलने वाली है कांग्रेस कार्यालय में ही और मतगणना 19 अक्टूबर को होगी, इसके बाद ही परिणाम यहां पर सामने आ पाएगा। वहीं कांग्रेस के टिकटों को लेकर भी अब आपको जानकारी देना चाहेंगे। फिलहाल 57 के करीब ऐसे टिकट हैं जो कि फाइनल हो चुके हैं, लगभग यहां पर तय माने जा रहे हैं, लेकिन ये लिस्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। जबकि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा की ओर से सुबह ये सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी दी गई थी कि आज ये लिस्ट यहां सार्वजनिक होने वाली है। सुबह से लेकर मीटिंग का सिलसिला दिल्ली में जारी है और अभी भी फिलहाल वहां पर यही चर्चा चल रही है। 57 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें लेकर नाम यहां पूरी तरह से तय हो चुके हैं। हालांकि इसमें बात हम आपको और बताना चाहेंगे, जो अभी सिटिंग विधायक हैं उन सभी को आने वाले समय में भी टिकट दी गई है, यानी कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन 57 उम्मीदवारों में जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और एक बात हमने जैसा आपको बताया कि मौजूदा समय में जो विधायक चल रहे हैं, खैर उनका नाम तो है ही है, लेकिन जो बड़े ओहदे संभाल रहे हैं उनका भी इसमें नाम शामिल किया गया है।